क्या कर रही है? अरे अरे ओ, आराम से आराम से आराम से। हाँ दरोगा जी। हाँ जी। मजा आ गया एकदम, बहुत मजा आ रहा है, सच बता रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। सच्ची बता रहे हो दरोगा? कसम से तुम्हारे हाथों में जादू है, मन कर रहा है तुम्हारा हाथ चूम लू, तुम्हारा गाल चूम लू, तुम्हारा। अरे बस बस लोटे कंट्रोल कर, तू आगे बढ़े जा रही है। मतलब है ना सेठ जी, अगर पिंकी जी का बस चलता ना तो पिंकी जी तो मतलब छोले भी बनाने वाले थे, पर अब क्या पिंकी जी बिजी इतने हो रखे, फुर्सत कहाँ है हमारा गलती करने से। सेठ जी साहब जी जो है ना, आवारा गर्द को भगाने में व्यस्त रहते हैं, ये बोल रहा था। और इलायची कैसी है? अबे मिर्च के सालन जैसी है, झोंक दूँ अभी मुंह में। दरोगा जी ऐसा है सेठ जी, पिंकी जी ने तो अपना वादा कर दिया पूरा है, अब आपकी बारी है। चलो अपना वादा पूरा करो, वो निकालो मोबाइल और फोटो डिलीट करो, चलो 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 चलो। अरे क्या कर रहा तू, तू मतलब सारी झाड़ू यही लगा लेगा? हटा भैया यहाँ से हटा। अरे दरोगा जी। हाँ जी। मतलब मैं वैसे ही मतलब जानकारी के लिए ये पूछ रहा हूँ कि मतलब मोबाइल चोर को आप कितनी देर में या फिर कितने दिन में पकड़ लेते हो, ये बताओ। सेठ जी ऐसा है कि अगर तो चोर अपने इलाके का हुआ ना तो एक दिन में हाथ आ जाते हैं। हाँ। कभी कभी 10-15 दिन भी। सेठ जी आप ये सवाल क्यों पूछ रही है? अरे वो दरोगा जी क्या है कि मैं मंदिर गया था एक, तो वहां मेरा किसी ने मोबाइल मार लिया। क्या? तब तो तस्वीर बाहर निकल आएगी, मजा आ गया सेठ जी। सेठ जी आप तो गैर जिम्मेदार निकले हैं, तस्वीर बाहर निकलेगी तो साहब की बदनामी होगी, ये बोल रहा था मैं। ना ना बिल्कुल सही कह रही है। तो एक मिनट सेठ जी, एक मिनट, ऐसा तो नहीं आप ये कहोगे कि उसी मोबाइल में पिंकी जी की फोटो थी? ना 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 सेठ जी ऐसा मत बोलना, वरना वरना पिंकी जी को चक्कर आ जाएगा। मंगीलाल दरोगा जी को पकड़ ले, क्यों? क्योंकि इन्हें बस चक्कर आने ही वाले हैं। अरे अरे सेठ जी क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? आपको पिंकी जी ने इतना रिक्वेस्ट किया था उस वक्त कि आप निकालो मोबाइल डिलीट कर दो ना, आप ना माने, मतलब एक चंद पूरियों के लिए आपने पिंकी जी का। चलिए आपका वो मोबाइल किस मंदिर के पास से हुआ चोरी? अरे वो मोरी गेट वाले जो हनुमान जी है ना। हाँ। उनका मंदिर वहीं से। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, तू कहाँ देख रही है, तू उसको छोड़, चल जल्दी चल। अरे वो चोर कहीं कहीं भाग जाएगा, चल साले फूस रहा। आपने अच्छा नहीं किया, गलत है ये, गलत। इलो यार तुझे बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही क्या? किस बात की टेंशन? किस बात की टेंशन? इलो अगर अंकल जी ने फोटोज देख ली तो अरे यार क्या होगा, ज्यादा क्या करेंगे, जीजा जी की बैंड बजा देंगे पापा, और ऐसी बैंड क्योंकि पुश्ते रॉक एंड रोल करते हुए नजर आएंगे, कितने फनी लगेंगे। इलू रॉक एंड रोल करने वाली सेल्फी। वैसे सुनू मैं सोच रही थी कि इतना भी बड़ा क्या हो जाएगा अगर पापा ने ये फोटोज देख ली तो। कौन सी फोटो? किसकी फोटो है? और तेरे पापा देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो मेरे स्कूल की फोटो, मैंने एक लड़के की ना जम के धुलाई कर दी। वो क्या है ना, वो लड़का ना मुझे छेड़ टाइप्स रहा था, मतलब छेड़ रहा था, ऐसे मैसेज करता था कि इलू तुम मेरी जान हो, आई लव यू, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। हाँ। तो मैंने उसकी नाक तोड़ दी। नहीं ना उस लड़के को छोड़ूंगी नहीं मैं, अभी जाके तेरे पापा के मोबाइल से ना उसकी फोटो निकालती हूँ, तेरे टीचर के सामने उसका ना मुरब्बा बनाती हूँ।
मैं अभी जाके तेरे पापा के मोबाइल से ना उसके फोटो निकालती हूँ और तेरे टीचर के सामने उसका ना मुरब्बा बनाती हूँ। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, मैं सुन लूंगी, यही बता रही थी कि वो फोटोज डिलीट हो चुकी हैं। हाँ अच्छा ठीक है फिर तो, लेकिन बेटा तो उस लड़के ने तुझे दोबारा छेड़ा ना मुझे जरूर बताना। हाँ। मैं ना उसका मुरब्बा बना दूंगी। हाँ। हाँ, हाँ, सुनो ना मम्मी, वो पापा से बोलो ना कि वो मेरा नया मोबाइल ले ले, और मुझे ना वो पुराना मोबाइल अपना ज्यादा अच्छा लगता था, प्लीज। ना 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 बेटा, देख तुम दोनों बाप बेटी के चक्कर में मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। अरे अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा हाथ नहीं जम रहा है। अरे जब तेरा हाथ नहीं जम रहा है तो तेरे पापा का हाथ क्या जमेगा? देख उनके पास तेरा पुराना मोबाइल रहने दे, वो सीख लेंगे बेटा। और वैसे भी उन्होंने मुझसे एक बात कही है। क्या कहा था आंटी जी? उन्होंने कहा है ना कि वो ना उस मोबाइल से ना रात को मेरी और चांद की तस्वीर लेंगे। सीरियसली मम्मी, आपकी और चांद की तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये फोटोज देखे ना तो मुझे जरूर चांद पे पहुंचा देंगे। हीलू, लाइफ में टंटे होने वाली सेल्फी। लोटे अब देर हो रही है, मैं निकल ले आऊं, ठीक है? सेड़ी सेड़ी, हाँ एक मिनट को सेड़ी। हाँ बता। सेड़ी में छोटा सा काम कर दो। हाँ हाँ सेड़ी, वो मौसा मेरे लिए लड़की ढूंढ रहा है। अच्छा अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहा है। तो मेरा एक बढ़िया सा फोटो निकाल दो। वो लड़की वालों को मेरी कुछ तस्वीर भेजनी है, मेरे पास अच्छी तस्वीर ना है। अबे तो कौन सी बड़ी बात है, तूने अपना फोन क्या मिर्च कूटने के लिए रखा हुआ है? अरे उसमें कैमरा है, आराम से फोटो खींच भेज दे। सेड़ी मेरा फोन सही ना है, उससे तस्वीर खींचो ना तो ऐसी आती है जैसे देख के कोई चंदा भी ना दे। ओहो है? लड़की तो दूर की बात है। चल कोई बात ना, मेरे पास इलाइजी का फोन है, इसमें बहुत अच्छी तस्वीर निकलती है, ठीक है? मैं इससे खींच दूंगा, तू एक काम कर, बाल बाल बना सेट कर, मैं खींचता हूँ तेरी फोटो। अभी ऐसी नहीं जिलो। हाँ हाँ खींचो। हाँ खींच रहे हैं, रुक जा। क्या कर दिया तूने? हमने आपको सजा दी है, आपने हमारी सेठ जी की बेइज्जती की। अरे मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे पता ही ना लगा। कैसी बातें कर रहा है, कैसे मेरी बेइज्जती हो गई, बकवास बातें कर रहा है बेकार की। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपका नाम क्या है? मुरारी बंसल। हाँ। आप करते क्या है? बंसल 420 लहंगा सेंटर के मालिक। हाँ। और आप ऐसे टुटपुंजियों से बात कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। हम आपको इस तरह से अपनी बेइज्जती नहीं कराने देंगे। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा, फोटो खींचने में क्या बेइज्जती हो गई? बेइज्जती है सेठ जी, आप समझने की कोशिश करिए, ये छोटे नहीं है, ये लोटे है, इसे आपसे कोई प्यार नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है इसको, ये आपकी बस बेइज्जती करना चाहता है, आपका मजाक उड़ाता है आपके पीठ पीछे, आपको पता नहीं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, सब जानते हैं हम इसकी चालों को। सेठ जी कौन सी भाषा बोल रहा है ये? सेठ जी इसमें कौन सी चाल हो गई? राजा चतुर सेन ने जब राजा गुटर सेन के पीठ में खंजर खोबा था ना, तब भी उन्होंने यही बोला था कि इसमें कोई चाल नहीं है। हमारे सेठ जी बेवकूफ हो सकते हैं, भोले हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं है। तुम्हारा काहियापन तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। चलिए सेठ जी। अरे कहां लेके जा, कहां लेके जा रहे तू? अरे यार ये पापा कहां रह गए? अरे यार ये करूं ही ना, ये फिर से उसने नया तौलिया दे दिया। ये माँ बेटी दोनों जो है बस मेरे पैसे खर्च करने के चक्कर में लगी रहती हैं। पुराने तौलिया में कौन से कौवे ने अंडे दे दिए थे? अरे सब एकदम अच्छा खासा नाच के आ रहा था, दिमाग खराब कर दिया, लेकिन मैं तो नाचूंगा। हाँ।
हाँ तो अपने कमरे में ही हूँ, कोई जंगल में ना हूँ जो मुझे देख के ऐसे चौंक रही है। मेरा मतलब है कि मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ। हमारे महल के 136 कमरे से मैं इस कमरे में मिली है ना। पापा की तरह ज्यादा सास मत बनिए, मुझे भूख लग रही है, पकौड़े तलो मेरे लिए। इतनी गर्मी में पकौड़े तलूंगी या पकौड़े मुझे तलेंगे? एक तो इतनी गर्मी इलायची, बारिश भी ना हो रही। अरे क्या जाओ। हाँ जा रही हूँ बाबा। दो किलो के तलना है? इलु करु 1 2 3। इनकरेक्ट पासवर्ड। सीरियसली पापा? ओहो, ये करो भी ना, शेविंग क्रीम रखना भूल गई, खत्म हो गई ये, पता ना लाई है ना लाई है बाजार से। अरे अरे ये क्या है? तू मेरे फोन के साथ जो है वो मदारी का खेल खेल रही है। नहीं वो ये पासवर्ड फिर से चेंज कर दिया आपने। दरअसल एक जरूरी नंबर निकालना है, मुझे पासवर्ड बताइए जरा जल्दी से। मैं क्यों बताऊं, तू खुद सोच। सीरियसली? हाँ। अरे आप आड़े टेढ़े पासवर्ड रखते हो, मुझे क्या पता यार। अरे मैं तो अपने बेटी के नाम से जुड़ा हुआ पासपोर्ट रखता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बेटी मुझे कितना प्यार करती है। जूली नहीं पता, प्लीज बता दो, नहीं समझ में आ रहा क्या, बताओ पासवर्ड प्लीज। अरे एक मिनट, किसका फोन आ रहा है? हाँ हेलो, हाँ बुआ जी, हाँ बिट्टू का मंडन। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया भेज दिए। ये तो बहुत बढ़िया काम किया बुआ जी आपने। हाँ एक मिनट यार, चला गया। अरे एक मिनट बुआ जी, अरे हाँ बुआ जी, हाँ एक बार देख रहा हूँ, मैं फोटो देख रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी देख रहा हूँ। एक देर एक कहाँ चला गया ये चश्मा, अभी तो मैंने रखा था यहाँ पे। जी, अगर आपको हमारे लिए कुछ लाना ही था तो हड्डियों पे लगाने वाला प्लास्टर ले आती। हम सेठ जी के चश्मे का अचार डालें, ये क्यों लाई हैं आप? तो क्या करती मैं? अरे पासवर्ड उन्होंने अभी चेंज कर दिया है फिर से, तो मैंने सोचा क्या करूं, चश्मा देखा तो उठा के ले आई। अब चश्मे के बिना एटलीस्ट वो फोन में पासवर्ड तो नहीं डाल सकते, फोन खुलेगा नहीं तो फोटोज देख नहीं पाएंगे, सिंपल। देखा जीजाजी मेरी इलू कितनी स्मार्ट है, इलो तेरे स्मार्ट होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत स्मार्ट है। हमें एक बात बताइए, अगर गलती से सेठ जी ने सेठानी जी को बोल दिया कि इसमें पासवर्ड डालिए, तब क्या करेंगे? फोन खुल गया तो? मम्मी फोन रिसीव कर लेना एक आधा, वो ही बहुत बड़ी बात है, तो उनका तो मुझे टेंशन है ही नहीं। टेंशन सिर्फ ये है कि बस मैक्सिमम आज तक के लिए हम लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद पासपोर्ट का पता लगाना होगा यार। यार पता नहीं क्या है ये पासवर्ड। इलायची जी हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने ना वो पासवर्ड रखा होगा जो कि ऐसा 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 शब्द जो उनके दिल के काफी करीब है। कंजूस 1 2 3।
मेरे तो भाग ही फूट गए 1, 2, 3 मोटी 1, 2, 3 मैं मोटी लगती हूँ? अरे इलायची जी, हम आंटी जी के बारे में बात कर रहे थे, उनके हिसाब से। How dare you? क्या डेर यू इलायची जी, आप हमें क्यों कुछ बोल रही हैं? सेठ जी सारा दिन अपने मुंह से यही निकालते रहते हैं। शुप। मेरी मम्मी के लिए एक आधा और भी आपने उल्टा सीधा शब्द बोला ना, तो ये फोन का नहीं पता कि खुलेगा नहीं खुलेगा, लेकिन आपकी खोपड़ी जरूर खोल दूंगी मैं। भद्दी 1, 2, 3 नहीं मतलब, मेरा मतलब कि पत्नी में आपस में ऐसी बातें छेड़छाड़ चलती रहती ना। आप चुप रहिए, मेरे पापा मेरी मम्मी को भद्दी नहीं बोलते हैं। बकबकी 1, 2, 3 एक और शब्द नहीं। Am I not clear to you, जीजा जी? एक और शब्द नहीं मेरी मम्मी के लिए। इलायची जी, हमने आपकी मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो फिर किसके लिए बोल रहे हो? कड़छी दो मुझे अभी के अभी, कड़छी दो, मैं इनकी खोपड़ी खोलती हूँ। दो मुझे कड़छी, दो ना। इलायची जी शांत हो जाइए, आप ऐसे नाराज मत होइए। देखिए हम तो सेठ जी के हिसाब से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने पासवर्ड रखा होता ना, तो हमारा पासवर्ड ये होता, पंचम लव्स इलायची जी 1, 2, 3 ओ। वैसे इतने बुद्धू भी नहीं है आप, मीठी मीठी बातों से हमेशा मेरी पिटाई से बच जाते हैं। खुश हुई। ओके, लेकिन पासवर्ड पता करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं पता चला ना तो लाइफ में टंटे हो रखे। 1, 2, 3 गेंडी 1, 2, 3 यू लव हिम? आ बता जी। सेठ जी बता रहे हैं जयपुरी लेंगे 12। और क्या? धक्का। सॉरी हाँ। दो और गुजराती लेंगे 15 बच्चे। और आप कितने बचे? मैं बचूंगा या ना बचूंगा? सॉरी सेठ जी, वो चोर बाजार वाले कुछ 15 बचे। सुन एक बार बता, अगर ये दुकान में सारे लहंगे बचे हैं और दुकान में सड़ रहे हैं तो तूने महीने में बेचा क्या? मैं सब देख रहा हूँ, टन टन सब देख रहा हूँ मैं। सेठ जी पंचम, अबे तेरे नाम का अचार डालूंगा क्या मैं? देख मैं तुझे आज बता रहा हूँ कि ग्राहक को कैसे लपेटे में लेके जो है लहंगा बेच दिया जाता है। जी भाई साहब, जरा लहंगा दिखाना। बढ़िया दिखाइएगा। भाई साहब नमस्कार, भाई साहब नमस्कार। अरे दिखा ये वाला। सेठ जी ये अरे चल तू चुप रह। ये वाला दिखा भाई साहब। हाँ भाई साहब ये वाला लहंगा देखो, ये जयपुरी एकदम जरदोजी का काम किया हुआ लहंगा है। भाभी जी मैं बहुत जचेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, आपके नाम के जो है गीत गाएंगी, एकदम तारीफ करेंगी आपकी कि आप क्या लहंगा लेके गए हो भाभी जी के लिए। मैं भी अपनी बीवी को ये जरदोजी का काम किया हुआ लहंगा देते हमेशा जो है उसे गिफ्ट करता हूँ। 2-3 महीने तक ना भाई साहब एकदम प्यार नवा जो है माहौल रहता है। मैं सिर्फ 15,000 लगा दूंगा भाई साहब, बस इससे ज्यादा। देखो ये सबसे सस्ता मिल रहा है इस दुकान में, भाई साहब आप ले लो। भाई साहब बिल्कुल ना सोचो। अरे बदतमीज, सुबह सुबह टिका ली क्या? अबे टंटन ये भाई साहब को क्या हो गया? सेठ जी भाई साहब ने बहन जी थी। सेठ जी क्या हो रहा है? पिंग जी पूछ रहे हैं। ये देखो सेठ जी, ये नाम मदन हो रखा है इसका, मंदिर के आसपास से इसे पकड़ा है, जरा गौर से देखिए इसको। अरे क्या क्या ध्यान से देखूं दरोगा जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस कंबखत के जो है मुंह पे बहुत सारी अगरबत्तियां किसी ने जला रखी हैं, एकदम सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। क्यों मतलब ऐसा धुंधला धुंधला क्यों सेठ जी? अरे सेठ जी दिन में ही टिका लिया आज? अरे ना ना दरोगा जी टिकाई ना है। हाँ। वो क्या है ना कि चश्मा सुबह से मिलना रहा है तो मुझे कुछ साफ साफ दिखाई ना दे रहा है। क्या मनुज खबर दे दिया आप सेठ जी।
आप अपनी आंखों का मेन स्विच ऑफ किए बैठे हो और तू अपना दिमाग साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आपने कितना दिमाग लगा के इस चोर को पकड़ा है और सेठ जी जो है चश्मा घुमा दिया, बताइए। और क्या बोलो है सेठ जी, हम जरा दो मिनट में आते हैं, वो दरअसल क्या है कि बुबू को कॉल करना था, वो हमें काम याद आ गया, बस दो मिनट में आ जाए। हाँ हाँ, जा जा जा, सुन और जल्दी से दो मिनट में वापस आ जाइयो, है काम बहुत है, मुझे कुछ दिखाई ना दे रहा है। जी 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 सेठ जी। हाँ, कुछ ना दिखाई दे रहा है मुझे भाई।